केंद्र सरकार जल्द ही चीनी निर्यात नीति की घोषणा कर सकती है। जी हां, 2022-23 सीजन के लिए चीनी निर्यात नीति को लेकर एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि हम एक सप्ताह में 2022-23 के लिए चीनी निर्यात नीति की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में चीनी मिलों ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया है। गन्ने के रस, सिरप और बी हैवी मोलासेस को एथेनॉल में बदलने के कारण चीनी उत्पादन में 45 लाख टन की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्मा ने 2022-23 सीजन में लगभग 365 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। इस्मा के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 को लगभग 55 लाख टन चीनी के ओपनिंग बैलेंस के साथ सीजन 2022-23 के लिए लगभग 365 लाख टन चीनी उत्पादन और लगभग 275 लाख टन की अनुमानित घरेलू बिक्री के साथ 90 लाख टन अतिरिक्त चीनी बच जाएगी, जिसे निर्यात करने की जरूरत है ताकि समान क्लोजिंग स्टॉक बना रहे। ऐसे में अब सरकार की तरफ से जल्द ही चीनी निर्यात नीति की घोषणा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।